हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है लोक सेवा आयोग की ओर से जारी हुई है, बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक शुद्धि पत्र जारी हुआ। तो आप देख सकते हैं जेल बंदी रक्षक 2022 की जो परीक्षा थी उसमें आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट नंबर था जो कि 15 नवम्बर 2022, वह शुद्धि पत्र संख्या जो कि आप देख सकते हैं 29/12/2022 को प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उक्त विज्ञापन के बिंदु एक में रिक्तियों के विवरण में राजकीय गृह में निवासरत अनाथ बच्चों हेतु आरक्षित पदों के उद्धार श्रेणीवार यथा आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तमाम और जो कैटेगरी है उसका विवरण अंकित नहीं है, अतः राजकीय गृह में निवासरत अनाथ बच्चों हेतु आरक्षित पदों का ऊर्ध्वाधर श्रेणी में विभाजन करते हुए रिक्त पदों को इस प्रकार से यहां पर संशोधन किया गया। यानी कि आप देख सकते हैं यहां पर जो जेल बंदी रक्षक के जो पद थे उसमें जो है कैटेगरी वाइज नहीं हुआ था, स्पेशली अनाथ बच्चों का। तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कारागार विभाग में जेल बंदी रक्षक के जो 224 पद थे इसमें सामान्य के 113, अनुसूचित जाति के 41, अनुसूचित जनजाति के 8, अन्य पिछड़ा वर्ग के 30 और कमजोर यानी कि EWS के 22 थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो 36 वार था यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्रामी, ठीक है, उसके अलावा पूर्व सैनिक, उसके अलावा जो अनाथ बच्चे हैं उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं विवरण दिया गया है। यहाँ पर कुल 9 पद जो है अनाथ बच्चों के लिए हैं, इसमें आप देख सकते हैं अलग इन्होंने जो है यहाँ पर अब जो है कैटेगराइज कर दिया। इसी तरह से आप देख सकते हैं कारागार विभाग में भी रिजर्व बंदी रक्षक के 47 पद जो बाद में ऐड हुए थे, ठीक है, उसके लिए भी आप देख सकते हैं जनरल SC OBC अलग है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पद पूर्व सैनिक के लिए है, तो एक पद यहाँ पर आप देख सकते हैं राजकीय गृह में निवासरत अनाथ बच्चे के लिए है जो कि यहां पर सामान्य की है। उसके अलावा यहां पर और कोई भी अपडेट नहीं है, यही छोटी सी अपडेट थी जो आयोग की ओर से जारी हुई थी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।